नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर कावेरी हालदार। आज मैं आपको बताने वाली हूं अपने ही क्लिनिक में आया हुआ एक केस। हेलुसिनेशन का है। हेलुसिनेशन मतलब भ्रम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं हेलुसिनेशन की दोस्तों। हेलुसिनेशन में एक्चुअल में होता यह है कि चीज़ें हमारे सामने नहीं हो, उसके बाद भी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, इवन कभी कभी हम जो है बातें भी करने लगते हैं। लेकिन सामने हमारे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई पर्सन नहीं होता है, फिर भी हमें लगता है कि कोई है और उनकी आवाज़ें भी हमें सुनाई दे। लोग इसको भूत से रिलेट करते हैं कि इनको आत्मा दिख रही है, भूत दिख रहा है, या इनको बाहरी हवा लग गई है, गांव देहात की भाषा में बोला जाता है। फिर इनको परिहार दिखाया जाता है, झाड़ फूंक किया जाता है। तो यही हेलुसिनेशन का केस मैं आपको बताऊंगी। मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था, उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। उसको ये प्रॉब्लम होती थी कि रात को उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, कोई नहीं होता था, किसी को उसके घर में और भी लोग होते थे, मेंबर होते थे, पर उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन उसको सुनाई देता था। वो रात भर सो नहीं पाता था क्योंकि आवाज़ें सुनाई देती थी। उसको दूर खड़ा कोई पर्सन दिखाई देता था, स्पेशली लेडीज नज़र आती थी। एक मेल पेशेंट था, उसको लेडी नज़र आती थी, तो कोई लेडीज खड़ी है, उसको बुला रही है, उसको ऐसा लगता था। पायल की आवाज़ उसको सुनाई देती थी, इस वजह से वो सो भी नहीं पाता था। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परिहार वगैरह दिखाया, मतलब झाड़ फूँक करवाया, तंत्र, ये सब जादू टोना, ये सारी चीज़ें सब करवाई उस पर, लेकिन उसको कोई मिला, कोई असर नहीं हुआ। उसको कंटिन्यू आवाज़ें, कम से कम 1.5 से 2 महीना हो गए थे उसको, कंटिन्यू उसको ऐसी आवाज़ें आती थी और वो पर्सन भी दिखाई देती थी साथ में। रात के वक्त ही ये इंसिडेंस उसके साथ में होता था, दिन में बस उसको पायल की आवाज़ें आती थी। उसकी वाइफ परेशान थी, बच्चे परेशान थे और सभी लोग परेशान थे कि आखिर इनको हो क्या रहा है। और पेशेंट जो था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था पहले, जब ये केसेस स्टार्ट हुआ उसके पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो उसको वीकनेस आ चुकी थी, तो वो पेशेंट मेरी क्लिनिक में एक्चुअली वीकनेस का ट्रीटमेंट करवाने आया था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। जब पेशेंट आया, मैंने उससे सवाल किए, पूछे जाना, तो उसने कि मुझे ऐसा ऐसा होता है। उसके घर वाले डर भी रहे थे कि कहीं भूत तो नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा आत्मा वात्मा का चक्कर तो नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं होता और फिर भी वो हमें दिखाई दे, तो ऐसे में कोई भी डर जाता है। तो हमारी जो एक साइकोलॉजी बन गई है कि वो भूत ही होगा। कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भूत नहीं होता, भूत ज़रूर होते हैं, लेकिन हर ये कंडीशन कि आपको चीज़ें नहीं है फिर भी दिखाई दे, या कोई पर्सन नहीं है फिर भी दिखाई दे, ये भूत से रिलेट नहीं होता। कि सच में घोस्ट है या आत्मा है तो वो आपसे आपको डराने की कोशिश कर रही है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, हर केस में नहीं होता है। हेलुसिनेशन के केस में ये होता है कि जो आपका ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होता है, आप इस तरीके से समझिए कि जब बिजली की तारें रहती हैं वो आपस में सब मतलब उलझ जाती हैं और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारे दिमाग में भी जो है सारी चीज़ें ऐसी पूरे जाल बना हुआ है ब्रेन में, पूरा नर्व का, सेंसेशन का, सारी चीज़ों का ऐसा जाल बना हुआ है। और जब उस जाल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो तब क्या होता है, इंसान की जो सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, ये सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। तो इसको भूत या घोस्ट से रिलेट करना सही, ये मेडिकल कंडीशन है। पेशेंट एक तो जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, आप जानते होंगे कि ज़्यादा अगर हम नशा करते हैं किसी भी चीज़ का तो वैसे ही हमारे जो है दिमाग के सेंसेशन वो काम करना बंद करते हैं धीरे धीरे। क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। साथ ही ये हेलुसिनेशन की कंडीशन तब क्रिएट होती है दोस्तों जब आपका बहुत ज़्यादा मेंटल किसी चीज़ का स्ट्रेस रहा हो, है ना, आपके साथ में बचपन में या बड़े में भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसने आपके दिल और दिमाग को हिला के रख दिया है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हेलुसिनेशन की कंडीशन आना, सिज़ोफ्रेनिया होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ ने आपके ब्रेन के जो है सिस्टम को अफेक्ट कर दिया है। आप ये समझिए कि सिस्टम में वायरस आ गया, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर था तो उसमें वायरस की एंट्री हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा आपके दिमाग को। तो इस पेशेंट के
साथ भी ऐसा ही था। बचपन की बुरी घटनाओं के कारण इसका जो माइंड है वो इस तरीके से अभी सोचने लगा था, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण। क्लिनिक में तो हमने पूरा इसका केस टेकिंग किया, पूरा देखा सब। इसको फियर भी था, तो पहले हमने एकोनाइट से स्टार्ट किया। तो एकोनाइट देने के बाद में ये पेशेंट थोड़ा ठीक हुआ, मतलब इसका जो आवाज़ें जो इसको सुनाई देती थी ये थोड़ी कम हुई थी और इसका डर भी कम हुआ था। फिर देन उसके बाद में हमने उनको स्ट्रामोनियम दिया। स्ट्रामोनियम से ये पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगा और अभी तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है ये पेशेंट। अभी इसको वो पर्सन भी नहीं नज़र आते हैं, ना पायलों की आवाज़ आती है और ना ही इसको कोई प्रॉब्लम होती है, साथ में ना ही ड्रिंक की डिज़ायर होती है। पूरी तरीके से पेशेंट अभी ठीक हो गया है। हमारी ऐसी लाइफ में हेलुसिनेशन का आना, मतलब कहीं ना कहीं जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और ये कंडीशन डेवलप हो गई है। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेस कम लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है, फिर दिमाग के ऐसे अस्थि पंजर हिल जाएँ और फिर आप परेशान रहे, आपके घर वाले परेशान रहे, तो कोई इसका मतलब नहीं निकलता है। तो होम्योपैथी कितने अच्छे तरीके से ये सारे केसेस में काम करती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी ये उसको, है ना, बुरी घटनाएं और जो हैबिट वो सब डेवलप हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें होम्योपैथी की मेडिसिन से ठीक। होम्योपैथी में ऐसी एक नहीं हज़ारों मेडिसिन है। आपको पर्सन नहीं है और आप कंटिन्यूस से बात कर रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं आप, तो भी इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हो जाता है। होम्योपैथी कोई एक छोटा मेडिकल सिस्टम नहीं है, ये पूरे मतलब आपके सोल को ट्रीट कर रही है, आप क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगर आप क्रिमिनल भी हैं तो ये जो क्रिमिनल का एक माइंड होता है ना कि आपको क्राइम करना है, ये सारी चीज़ें भी होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो जाती है। तो आज का ये केस आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।